नमस्कार दोस्तों, आज कुछ ऐसा कहना पड़ेगा, कहना नहीं चाहिए, कहना पड़ेगा और कहना ही पड़ेगा। देखो, बचपन में हम एक कहानी सुनते थे। एक मुर्गी थी, वो रोज अंडा देती थी। आपने भी शायद सुनी होगी बचपन में, ठीक है। एक मुर्गी थी, वो सोने का अंडा देती थी रोज। तो जिसके पास वो मुर्गी थी, उसने सोचा इसके अंदर पता नहीं कितने सारे अंडे हैं इसके अंदर सोने के, तो मैं इसका पेट फाड़ के निकाल लेता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, ये कहानी आपने सुनी होगी। तो मैं इतनी कोशिश क्यों कर रहा हूँ, होम डिलीवरी ऐसा वैसा इधर उधर लड़के ये वो फलाना ढिंगना, इतना क्यों कर रहा हूँ मैं? अरे भाई, आपके वहाँ पे जो पड़ोस में दुकानें हैं, मैं उनको भी तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ये कि भाई लालच मत करो। देखो, हमारी भी तो दुकान है, ठीक है ना। क्या हम रोटी नहीं खा रहे हैं? अगर हमारा मुनाफा कम है तो क्या हम रोटी नहीं खा रहे हैं? ये शर्ट बेकार है क्या है? मालिक ने किस चीज की कमी दी हुई है? खाली तो दो रोटी ही है। मैं कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, कम बचत में भी जिंदगी अच्छी तरीके से चल सकती है। अच्छा आदमी कपड़े ही पहन सकता है। देखो, कितनी शर्टें चाहिए आदमी को? सोने के लिए कितना बड़ा मकान चाहिए? तो सहूलियत ज्यादा, अपने आप जो ज्यादा सोचेगा, देना तो मालिक ने है, ऊपर वाले ने देना है, ठीक है ना। तो हम लालच क्यों करें? तो भाई, आज की जो वीडियो है हमारी, सभी जो पटाखा बेचते हैं दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर या भारत के अंदर ही लगा लो आप, तो भाई थोड़ा सा मुनाफा कम करो, ठीक है। मैं यूं नहीं कहूंगा कि हमारी तरह चलो आप, पर थोड़ा सा आप मुनाफा कम कीजिए, जिससे लॉकडाउन है, लॉकडाउन था, लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो माहौल थोड़ा सा खुशियों का आए, वो पटाखे जलाएं, थोड़ा सा उनको अंदर से थोड़ी सी ताकत मिले। क्योंकि देखो, मैं यूं सोचता हूं भाई, मैं जब, यानी कि अगर मैं अपने आप में मोटिवेशन चाहता हूं, ठीक है ना, कि भाई मेरे अंदर से ऊर्जा आए, तो दोस्तों उसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा लाने के लिए क्या चाहिए भाई? अगर आपका मन जिस चीज से खुश होता है वही तो आप करेंगे, उसी से तो आपके अंदर ऊर्जा आएगी। तो अगर जैसे मेरे को ऊर्जा की जरूरत होती है, तो मैं कोई ऐसी मूवी देखता हूं जिससे मेरे को, यानी कि थोड़ा सा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस हिसाब से भाई हमारी दुकान पे आएंगे तो देखो, आप कहीं से भी लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ पटाखे वाले जो भाई है मेरे, कि भाई अपना थोड़ा सा मुनाफा कम कर लीजिए, ठीक है, जिससे आम लोगों को थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा क्या मिलेगी दोस्तों? भाई पटाखे उनके बच्चे जलाएंगे, वो उनको देखेंगे तो खुशियां मिलेंगी ना दोस्तों, उनको खुशियां मिलेंगी उनको, तो उनका भी काम करने का और हिम्मत आएगी उनके अंदर, तो वो काम करेंगे और अपने, यानी कि जो उनका हिसाब किताब डगमगा सा गया है इन दौरान, तो उसको भी ठीक करने में उनको सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, मैं पांचवी बार आपसे बोल रहा हूं और मैं 10 बार बोलूंगा कि भाई अपना मुनाफा कम कीजिए, ठीक है ना। और अगर आप यूं चाहते हैं कि भाई मैं आपकी दुकान पे आके और आपकी दुकान के लिए बोलूं, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पटाखा बेचें, ठीक है। मैं कभी यूं नहीं कहता अपने ग्राहक से कि आप मेरी दुकान पे आए, पर भाई देखिए, एक अच्छी सोच जो होती है, जो एक अच्छी सोच होती है ना, वो स्वर्ग के रास्ते खोलती है। मैं तो यूं कहता हूं आपको, तो मुनाफा कम कीजिए और लोगों की सहायता कीजिए,
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। भाई देखो, मैं यही कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है ना? करना ना करना तो वो उन दुकानदार भाइयों के हाथ में है भाई, अब करें या नहीं करें। पर देखो, मैं आपकी तरफ से, जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको ये बोल रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ छठवीं बार अब, कि भाई प्लीज़ कम कीजिए अपने रेट, जिससे थोड़ी सी उड़ जाए। नमस्कार दोस्तों।